फ्रेंड्स समस्त को नमस्कार मुन मान प्रिय फ्रेंड सुज्ञान सागर आपण मान समस्त को स्वागत करे मोर सुज्ञान सागर रीजनल यूट्यूब चैनल रो आज ही स्वतंत्र अध्याय को। हाँ फ्रेंड्स मु सर्वप्रथमे आपण मान समस्त भल पाइबा आपण मान समस्त सपोर्ट पाई सर्वप्रथमे आपण मान को अनेक अनेक अशेष अशेष धन्यवाद देवाई चाहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। हाँ फ्रेंड्स मुझे सुज्ञान सागर रीजनल यूट्यूब चैनल मध्यम आमर यह अंचल इश्यू गुड़िक रेज करने को चेस्टा करे एवं विशेषकर प्रत्येक गाँव गुड़िक मु विजिट करे एवं गाँव गुड़ी को मु वीडियो माध्यम देखापी चेष्टा करे एवं से ही गाँव गाँव मौलिक समस्या एवं से ही गाँव में सरकार समस्त सुविधा सुजोग मिलू कि ना ताप चेष्टा करे से ही गाँव शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन से ही गाँव में केमी लोक मैंने बचुंट से वृत्ति कौन सबकि जानवापी मुझे चेष्टा कैं से मौलिक समस्या को नहीं मुझे सोशल मीडिया प्लाटफर्म यूट्यूब मध्यम आमर प्रशासन स्थानीय प्रशासन एवं सरकार दृष्टि आकर्षण करे एवं यूट्यूब चैनल माध्यम मुही अंचल विशिष्ट व्यक्ति मान इंटरव्यू निए एवं से विषय जानवा चेष्टा करे एवं से वीडियो यूट्यूब चैनल अपलोड करे एवं आमर जातीय व अंतर्जातीय इश्यू गुड़िक हॉट टॉपिक गुड़िक यूट्यूब चैनल माध्यम मोर से हॉट टॉपिक रो मोर ओपिनियन मोर थॉट्स मोर नॉलेज से ही हॉट टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल इश्यू विषय मुझे आलोचना करे यूट्यूब चैनल माध्यम। तो फ्रेंड्स आपण मैंने जदि चाहूँगी मोर अंचल इश्यू गुड़िक जानवापी अंचल इश्यू गुड़िक जानवापी एवं आपण मो सहित जड़ित होवापी चाहती आपण मैंने मोर थॉट्स एवं मोर नॉलेज जानवापी चाहती मोर ओपिनियन जानवापी चाहती प्लीज मोर चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं लाइक करूँ बेल बटन साइड थी बेल बटन दबात आपण मान फीडबैक् दिं। मारियोना 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 मारियोना। हाँ फ्रेंड्स आपण मैंने ठीक शुणी मुझे आपण मान आज गोटे हॉट टॉपिक उपरे आलोचना करने चाहे एवं मोर थॉट्स मोर ओपिनियन आपण मानक कहवापी चाहे आपण मान शेयर करने चाहे। गत किछि दिन मध्य आम ओडिशा रे आम यही अंचल विशेषकर गजपति जिल्लार विभिन्न अंचल विभिन्न ब्लॉक रे गंजेई माफिया मानक गंजेई जबत करा जाउछि। यह बहुत खुशीर विषय आम पुलिस भाई माने मैंने कड़ा कार्यानुष्ठान नौंती गंजे माफिया मानक से ही गंजे जबत कर बहुत प्रशंसनीय कार्य। तो मुझे वीडियो माध्यम आम गजपति पुलिस को सर्वप्रथमे धन्यवाद देवाई चाहे से मैंने निज निजर कार्य सुचारू रूपे तुलाऊँचंती। आई थैंक यू सो मच गजपति पुलिस फॉर योर वर्क फॉर योर नोबल वर्क। तो फ्रेंड्स मोर मन को गोटे क्वेश्चन आसला गोटे प्रश्न आसला मु प्रत्येक दिन जेबे भी फेसबुक खोले व्हाट्सएप रे ग्रुप मेसेज मत आए आम अंचल मीडिया बंधु मैंने न्यूज मत पठाई था ग्रुप शेयर कर था तो प्रत्येक दिन केवल गंजे न्यूज माने एमती जगार एत किलो गंजे जबत करागला से जगार एमती गंजे जबत करागला। तो एमती बहुत दिन न्यूज आसला पढ़ी 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 मोर मनरे गोटे प्रश्न उकी मारा कि आम यही अंचल विशेषकर आम ओडिशार गजपति जिले में कौन पाई एते गंजे चाष करा जाउची कौन पाई अनेक युवपीढ़ी माने विशेषकर युवपीढ़ी माने एपरी कार्य रे लिप्त रहउछन्ती कौन उद्देश्य कौन मु
बहुत भाविथिले ए विषय रे तो आपण मानको सहमति शेयर करबा को चेष्टा कर छी। तो गत किछि मास पूर्व रु गत मार्च मास रु हमर सारा इंडिया रे कोरोना को नहीं लॉकडाउन और शटडाउन आरंभ हो जाइतिला एवं एही कोरोना काल रे बहुत जन निज निजर जीवन जीविका हरैले एवं सेमानको पाखरे आउ कोनोसी माने मनी रो इनकम रो सोर्स नाही नाही कहले चले। तो फ्रेंड्स आमी वर्तमान चिंता करिबा जे गोटे युवक बा जणे कौन पाई एही परी गंजी गांजा ट्राफिकिंग बा मारिजुआना ट्राफिकिंग भले एक घुण्य कार्य रे जहाँ एक दंडनीय अपराध से ही कार्य रे लिप्त रुए। हाँ फ्रेंड्स 1985 पूर्वरु एही ए मारिजुआना इल्लीगल नथिला ता पूर्वरु लीगलाइज थिला 1985 मसीहा परठारु जेबेठारु एनडीपीएस एक्ट आसिला एनडीपीएस एक्ट आज फॉर द एनडीपीएस एक्ट 1985 आमर जेतेबेले राजीव गांधी गवर्नमेंट थिले तांके एही एक्ट आनथिले एही एक्ट रे कंप्लीटली ड्रग्स गुडी को बैन करा जायछि सेही ड्रग्स गुडी करे थिले मारिजुआना। हो फ्रेंड्स मु आज आपण मानको सह मारिजुआना विषय रे आलोचना करबा पई चाहे। फ्रेंड्स हजार हजार वर्ष पूर्वरु एही मारिजुआना प्लांट को आमर पूर्व पुरुष माने मेडिसिन भावे यूज करथिले मेडिसिन भावे यहार व्यवहार करथिले किंतु दुखर विषय वर्तमान यहा बैन हो जायछि। मार्केट रे आपण माने देखि पारथिबे अल्कोहल नउछंती सिगरेट नउछंती जहा कि आमर ए मारिजुआना टू बहुत खतरनाक से गुडी को बैन करा जाउनी किंतु मारिजुआना भली एक पवित्र जहाँ कि आमर अथर्वेद अनुसार एटा गोटे बहुत पवित्र प्लांट लिखा जाइए एवं यार औषधीय गुण यह कैंसर पर रोग को मध्य रोगर औषध मध्य तैयारी करता है। किंतु बहुत दुखर विषय एभली एक पवित्र द्रव्य को आम भारत सरकार एनडीपीएस एक्ट 1985 अनुजाई बैन कर चंदी। तो फ्रेंड्स वर्तमान चिंतार विषय आसी पहुंची छी मारिजुआना को बैन करा जीवा उचित ना अनुचित। वर्तमान सोसाइटी दुई भाग गोटे भाग कहिबे मारिजुआना को बैन करे ठीक करा जाय छी आ गोटे भाग कहिबे जे मारिजुआना को बैन करे भूल करा जाय छी। तो आपण मानको मतामत कोन जे मारिजुआना बैन हबा उचित ना बैन हवा अनुचित या को लीगलाइज करिबा उचित ना लीगलाइज करिबा अनुचित आपण मान को राय कोन आपण मान को मतामत कोन आपण माने मते कहिबे। हाँ फ्रेंड्स आपण मान को समस्त को अनुरोध वीडियो डी को कंप्लीट देखंतु एवं कंप्लीट देखी आपण माने आपण मान को राय मते कहिबे। तो फ्रेंड्स मो अनुजाई आपण माने इंटरनेट माध्यम रे आपण मानको इन्फॉर्मेशन मिली जीवो कि मारिजुआना को पृथ्वी रे अनेक राष्ट्र लीगलाइज करी सारी छि। 1985 मसिया रे राजीव गांधी गवर्नमेंट कौन पई एडा को बैन कले सेतिर मध्य रहस्य अछि सेतिर बहुत रहस्य अछि। 1985 मसिया रे काहे कि राजीव गांधी गवर्नमेंट बैन कले। हां फ्रेंड्स यूएस रो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका रो प्रेशर रे पड़ी आमर राजीव गांधी गवर्नमेंट यहाँ पर बैन लगाई देले। हाँ फ्रेंड्स आपण मैंने जानी आश्चर्य हो जीवे जे यूएस रे यूएस रो बहुत स्टेट यहाँ को बैन ए बैन उठी दी जानी से माने यहाँ को रिक्रेशनल एवं मेडिसिनल पर्पस रे यूज करछन्ती। एहा पछरे गोटे रहस्य कम पई आमर
ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରେସର କଲା କି ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଉ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମେରିକାର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ମାରିଜୁଆନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଯଦି ଭାରତ କରେ ତେବେ ସେ କାରଣ ଏ ମାରିଜୁଆନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ତାହା ଚାହୁଁନଥିଲା। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏହି ମାରିଜୁଆନାକୁ ନେଇ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଉତ୍ପାଦନ ନ କରୁ, ଆମେରିକା ହିଁ କରୁ, ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଏହି ମାରିଜୁଆନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଡ଼ିସିନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଆସି ଆମର ଭାରତରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେବ, ପୁଣି ତାହା ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ରେଟ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଚାଲ ଆମେରିକା ଆମ ସହ ଖେଳିଛି। ପୁଣି ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଲକୋହଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ, ମଦ କମ୍ପାନୀ, ମଦ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଗରେଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସିଗରେଟ୍ ଏବଂ ମଦକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆମର ମାରିଜୁଆନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ, ଆମର ଆମେରିକାର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ସିଗରେଟ୍ ଏବଂ ମଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆମକୁ ଡିବେଟ୍ ଆକାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ଏହି ବ୍ୟାନ୍କୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନା ଏହି ମ୍ୟାରିଜୁଆନା ଉପରେ, ଯାହାକି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ପର୍ପଜ୍ରେ ଯାହା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସେହି ମ୍ୟାରିଜୁଆନାରୁ ଆମେ ଏହି ବ୍ୟାନ୍କୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଦେଶରେ ମାରିଜୁଆନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳେ, ଲିଗାଲାଇଜ୍ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବି କି ଆମର ଦେଶର ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, GDP ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ମୁଁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଇକୋନୋମି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ଆମର GDP ଯଦି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ GDP ହାର, ତେବେ ଆମକୁ ଏ ମାରିଜୁଆନାକୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଧରପଗଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସରକାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଲିଗାଲ କରିବାକୁ ହେବ, ବା ସେମାନେ ମାନେ ଆମ ସରକାର ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଚାଲୁ ରଖିବା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏହା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ କରିଦେବାନି, ବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଉପରୁ ଏହି ଇଲିଗାଲାଇଜ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାନ୍ଟା ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର GDP ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ବହୁତ ଜଣ ଜବ୍ ପାଇବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ସବୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ପର୍ପଜ୍ରେ ଏହି ଆମର ମ୍ୟାରିଜୁଆନା ବହୁତ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଯାହା ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ସେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି COVID-19 ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ବାଏ ବାଏ।